नमस्कार। कहते हैं अगर अच्छा समय चल रहा हो तो आपके दुश्मन नहीं रहते हैं, और यदि समय बुरा चल रहा हो तो वो आपके सच्चे दोस्तों को आपसे इंट्रोड्यूस कराता है। फर्क यही है कि आपका अच्छा समय और आपके बुरे समय में आप जागरूक रहे तो आप पहचान पाएंगे। कोरोना काल में भी ठीक ऐसा ही हुआ। हमने अपनी ताकत जानी, अपने परिवार की ताकत जानी, हमारी कमजोरियाँ जानी, सच्चे दुश्मन जाने और नकली दोस्त जाने, परिस्थितियों को कैसे काबू में रखना, अपने आप को और कैसे धीर देना, धीरज क्या होता है, सांत्वना क्या होता है, हमने ये सब देख डाला। और इस कोरोना काल ने शायद हमें जीवन भर की सीख एक निचोड़ में दिखा दी। तो आज मेरा एक प्रयत्न है, एक कोशिश ये है कि मैं आज के काल में, कोरोना काल में नज़र डालूँ और ये देखूँ हमने क्या सीखा है, हमने कितने प्रकार के लोगों से सामना किया उनका और उनसे क्या सीखा। याद आता है जब ये कोरोना काल 18 मार्च 2020 में शुरू हुआ था, और उसके बाद से लगातार जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे और बहुत सारे युग में बात हो रही थी, बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, तब समझ में आया कि बहुत सारे लोग होते हैं और उनकी पहचान कैसे होती है। तो आज का मेरा विषय है कि परिस्थितियों में लोगों की पहचान, जो सच्ची पहचान होती है, उस पर एक नज़र डालें। सबसे पहले लोगों की सच्ची पहचान अंडर प्रेशर में कैसी रहती है। जब कोरोना काल शुरू हुआ था तब बात तो केंद्र सरकार की थी, उसके बाद तो बागडोर राज्य सरकार ने संभाली। राज्य सरकार भी बड़े अजीब थे, उन्होंने जिला अधिकारी को एक डोर डाल दी। जिला अधिकारी भी कम थे, उन्होंने नगर परिषद पे पूरा का पूरा बोझ डाल दिया। नगर परिषद को दुकानदार नजर आए, और दुकानदार को तो खरीदार भाए। खरीदार अब राम भरोसे हैं, और आत्मनिर्भरता की कहानी भारत पूरे दुनिया को परोसे हैं। घर से बाहर निकलो तो काहे का कोरोना, और घर में जाते ही न्यूज चैनल पर हर एक सीन डरावना ही डरावना। ऐसी कहानी थी जब हमने पहली बार कोरोना को समक्ष देखा। आंखें खोल देती है आपकी। अंडर प्रेशर का एक जो रोलिंग बॉल होता है, वो बॉल देखिए कैसा गया। मैं लोग या लोगों के विषय में बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए वो लोग जिनके पास में पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो वो लोग किस तरह से पेश आएंगे। ना तो पुलिस से बड़ा उदाहरण या प्रशासन से बहुत बड़ा उदाहरण आपको नहीं दे सकता, लेकिन जिस पुलिस को पहले बेईमानी का पर्याय माना जाता था, उसी के बाद फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी गई और जाकर सिर आंखों पर बैठाया गया। जबकि हकीकत यह है कि आज भी पुलिस पहले से भी ज़्यादा भ्रष्ट हो रहे हैं। कैसे? कोरोना काल में अवैध गुटखा चला, शराब चली, अन्य प्रतिबंधित जितनी भी सामग्री की बिक्री से अनेक तस्करों से साठगांठ करके खूब काली कमाई की गई, ये एक सच्चाई है। लॉकडाउन में वीआईपी रसूखदारों को बेरोक टोक निकलने दिया, और गरीब व कमज़ोर वर्ग को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि सरेआम दादागिरी दिखाने की अनुमति जो मिल गई थी। एक होता है डिसलोकेटेड एक्सपेक्टेशन, यानी मिलिट्री में नॉर्मली ऐसा होता है कि यदि और आपको बोलकर ये कहा जाए कि ये काम आपको करना है, और ये काम बड़ा परिश्रम वाला है, और इसे बोलकर उनको दिया जाए, तो उन्हें यदि बोल दिया जाए कि आपको इस पॉइंट से एक पॉइंट पर जाना है, तो उस पॉइंट से वो वहाँ पर पहुँचे, और तभी यदि आपने कहा कि आपको वापस एक और काम करना है। मेरे एक अच्छे परिचित है जिन्होंने अपनी तो कोविड से जो भी परेशानी थी वो उनके सवाल लेते रहे हैं, अपने डॉक्टर से को भी दिखाते रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लगातार एक के बाद एक काम देते रहकर अपनी पूरी जानकारी और अपना पूरा बोझ डाला है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे लोग नहीं होते जो पूरी तरह से निर्भर होते हैं, मगर लोग जब पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं किसी एक पर, तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है जो ये सब काम कर रहे होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिसे हम डिसलोकेटेड एक्सपेक्टेशंस के तहत देखते हैं। इसकी परिभाषा में ऐसा होता है कि ये काम रुकता नहीं है, और जो नीड होती है ये वांट और वांट से फिर डिमांड की तरफ चले जाती है। अक्सर इसी वातावरण में हमने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम भी रहा है कई लोगों का। वर्क फ्रॉम होम से ऑफिस भी बुलाए गए, ऑफिस से फिर वर्क फ्रॉम होम भी देखा है। पिछले एक साल में ये सब तब्दीली हुई है, और ये डिसलोकेटेड एक्सपेक्टेशन का बहुत बड़ा उदाहरण है। कई लोगों ने ऑफिस अपने काम को
घर से पहले अंजाम दिया है, उसके बाद में ऑफिस गए हैं, फिर उसके बाद में ऐसा भी हुआ है कि उनको फिर बोला गया कि वो वर्क फ्रॉम होम करें, फिर ऐसा भी समय आया है कि सैलरी कट हुई है। तो ऐसे बहुत सारे डिसलोकेटेड एक्सपेक्टेशंस बहुत लोग के साथ हुआ है। बहुत सारे लोग बहस करते हैं, और या फिर हम कहते हैं उन्हें कि एक बार उनसे मैंने कुश्ती लड़ लो बहस की। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बहस महज बहस के लिए बहस करते हैं, उनकी कोशिश ये नहीं होती है कि वो बात को समझे या फिर किसी निर्णय पर पहुंचे। ऐसे कई लोग हैं जो हमें नज़र आए इसी कोरोना काल में, जब उनकी आधा ज्ञान अर्ध ज्ञान या फिर उनके साथ जो बीता हुआ है उससे वो अंधविश्वास वो लोग बाहर लेके आते थे और समझने की कोशिश नहीं करते थे कि वातावरण में क्या हो रहा है। तो ये इनको कभी परवाह नहीं होती थी, और इनके जो बहसबाजी होती थी वो दिशाहीन होती थी। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनको कुछ सीखना है, जानना है, नहीं उन्हें बहस करना है। कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, आप उनके शब्दों को कभी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ शब्द भेदी थे, शब्द थे खोखले थे लेकिन उनके। लेकिन इस कोरोना काल में हमने बहुत अच्छी तरह से भली भांति ये जान लिया कि वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आपको कमिटमेंट दिया होगा और उन पर आप पहला भरोसा दिखाया होगा आपने, जब भी आपको ज़रूरत हुई होगी, चाहे फिर वो इंजेक्शन की हो, हॉस्पिटल के बेड की हो, सिलेंडर की हो, या फिर एक एम्बुलेंस को बुलाने की ज़रूरत हो, या फिर उनके खुद की गाड़ी को आपकी मदद लगे और उसी समय पर उन्होंने अपने शब्द के बाण चलाए हो और आप समझ गए हो कि बेटा ये कहानी तो यहीं तक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। खोखले शब्द, खोखला आदमी, ये आपको डेफिनेटली पहचान हुई होगी ऐसे व्यक्ति की भी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को हमेशा अपॉइंटमेंट की तरफ रखते हैं, और इसमें दोनों उदाहरण होते हैं। अरे मैं बिज़ी था, मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया, हमें ज़रूरत है, हम कॉल करना चाह रहे हैं, हम रीच करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई उस समय पे काम नहीं आ रहा। तो ये वो लोग होते हैं जो शब्द वाले नहीं होते हैं, ये अलग होते हैं, ये काम आएंगे शायद, लेकिन इनके अपॉइंटमेंट का टाइम होता है कि मैं ये समय से ये समय नहीं रहूँगा, ये समय मैं ऑफिस में रहूँगा, ये समय मैं घर का काम करता हूँ, ये समय मैं बाहर जाता हूँ, ये मेरे एक्सरसाइज का समय है। मगर ऐसे ही इसमें एक अच्छा उदाहरण मेरे साथ हुआ। मिस्टर नवीन शर्मा जो इंदौर में मेरी भांजी के लिए एक देवता स्वरूप साबित हुए, उन्होंने ना सिर्फ हमें बेड, हॉस्पिटल बेड की तलाश करके दी, सिलेंडर की योजना भी बना के दी, और हमें रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था उसे भी हमारे घर तक पहुँचाया। और ताज्जुब की बात यह है कि ये सिर्फ एक समाज सेवक है, अपने आप में कुछ भी ना होकर समाज सेवक रहकर इन्होंने जो काम किया उसके लिए मैं नवीन शर्मा जी को अपने हृदय से, तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ इस वीडियो के मार्फत। तो मैं ये विषय में उन लोगों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो नवीन शर्मा जैसे साबित हुए होंगे आप और आपके परिवार के लिए, मैं उनको नमन करता हूँ। उसके बाद मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो जब उनको ज़रूरत होती है तब पैसे लेते हैं और समय पर वापस भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कोरोना काल में जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी जो मदद पहले या ली थी उन्होंने जिनसे, उनको उन्होंने मदद की है, उन लोगों को सलाम, क्योंकि सही वक्त पर काम आना, यही शायद इससे बड़ी बात ही नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपने अगर 50-100 रुपये या 1000 रुपये किसी को देख कर ये मोल सीख लिया हो कि आज आपके काम का क्या कौन है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत उचित होगा ये कहना कि हमने एक ऐसे पर्सनालिटी को जान लिया जो कि शायद सही है, हमारे साथ जीवन भर दोस्ती के लायक है, रिश्ता रखने के लायक है। वरना ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने 1000 रुपये लिए होंगे, जो अब आपका फ़ोन भी नहीं उठाते होंगे, ना ही वो किसी काम के होंगे। तो दोनों तरह के लोग आपको मिले होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दो, मक्खन लगा लो, तो उनको अपनी की जो योगदान होता है उनका योगदान उन्हें भगवान से कम नहीं लगता है। उनको लगने लगता है कि शायद वो जो कर रहे हैं वो शायद भगवान का काम है और वो कर रहे हैं, और वो अपने लिए अगर बड़प्पन इसमें महसूस करते हैं तो आप पहचान जाइए कि वो कैसे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और कहते हैं इतना किया ये भूल जा, अब और कुछ ज़रूरत पड़ी तो भी बताना, हम करेंगे आपके लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बड़प्पन कर तो दिया आपके लिए, पीठ पीछे वो मुड़े और पूरे गांव को बताते फिर रहे कि उन्होंने क्या किया है। ऐसे लोग भी देखे गए हैं, है ना। कुछ लोग वाकई में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अगर कुछ हद तक किया और गलत हुआ तो वो सीधा ब्लेम करते हैं कि ये उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने
बहुत सारे नंबर्स, रॉन्ग नंबर्स फ्लोट किए व्हाट्सएप में, और तरह तरह के अटकलें लगाते रहें और भेजते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं होता है। ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ जैसे कि बाकी कोई मैसेज को देखकर फॉरवर्ड करना है वो करते रहें। वो लोग जो जिम्मेदारी ले सकते थे, जो भीड़ में चल रहे थे, जिनको कहा गया था कि सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन कोई भी ये नहीं कर रहा था। और अचानक से फर्स्ट स्टेज से जब सेकेंड स्टेज उन पर भारी पड़ा, जब उन्होंने मौतें देखी घर के आसपास, वो लोग इनमें डेफिनेटली शामिल होते हैं जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखी। आने वाला कल जो एक सच्चाई लाएगा उसके लिए हम सबको सचेत रहना है। इसीलिए आज की सीख ये कहती है कि कल जो हुआ है उसे हम आने वाले कल में कम से कम ये ना करें, रिपीट ना करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि वो कहेंगे कि ये पूरा कोरोना ही बेकार था, ये राज्य सरकार बेकार थी, ये सब कुछ बेकार था, लेकिन वो कभी अपने आप को दोष नहीं देंगे जो खुद खुलेआम चल रहे थे, आमंत्रण दे रहे थे कोरोना को कि भैया आओ, घर पे आओ, मेरे और भी घर के सदस्य हैं, मेरे को तो घेरो, साथ साथ में उनको भी घेरो और सबको खा लो। तो ये कुछ लोगों ने बहुत जो गैर जिम्मेदाराना हरकत करके अपने आप को जोखिम में डाला, उसके अलावा अपने पूरे परिवार को अंदर खींच लिया और ऐसे कई नुकसान हुए, जीवन के नुकसान हुए। एक परिवार में एक सदस्य जो कमाता था, वो कमाता पुरुष अगर चला गया हो तो वो उस परिवार का क्या होगा, ये ना सोचते हुए अगर वो सोचता कि अगर ये मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तो शायद सबको कोरोना है और मैं घर जाऊँ तो मेरे को कोरोना है। उस तरह से यदि एहतियात बरतते और सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का यदि अगर पालन करते तो मेरे ख्याल से बहुत सारे जान बच सकती थी, और वो लोग तो डेफिनेटली बचते थे जो घर के खास कमाने वाले हैं, जो एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है, वो शायद बच सकते थे। मैं एक और बात कहूँगा कि जिस मेडिकल स्टाफ को पहले हम गंदगी और मौत का सौदागर माना जाता था, उसी को आज फरिश्ता की तरह पेश किया जा रहा है सच, जबकि हकीकत यह है कि मेडिकल स्टाफ ने इसी कोरोना काल में दवाओं व अंगों की कालाबाजारी करके खूब नोट कमाए। इसमें कोई बात ही नहीं है। जब मैं वो वीडियोस भी देखता हूँ जहाँ पर डॉक्टरों ने बहुत कुछ किया है, दिन रात लगे रहे हैं, मानसिक त्रासदी रही है, इसके यही नहीं, इनके अलावा में हॉस्पिटल में नर्सेस है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो केमिस्ट वाला है, वो एम्बुलेंस ड्राइवर है, वो पीपी किट पहनकर वो है जो लोग लाशें निकाल रहे हैं और कब्रिस्तान ले आकर उनको जला रहे हैं, दफना रहे हैं, इनमें सब थे, और ये एक सच्चाई है। लेकिन साथ साथ में कुछ मेडिकल फ्रेटर्निटी ऐसे भी आए हैं इसमें, IMA जो तिलमिला रहे हैं और जो कर रहे हैं, आज बंदिश है, आज 4,000 रुपये पर डे के रूप में आपसे चार्ज किया जाएगा यदि आप हॉस्पिटलाइज हो तो, 9,000 से ऊपर आपसे नहीं लिया जाएगा यदि आपको वेंटिलेटर लगता है तो ये रिस्ट्रिक्शन, ये पॉलिसी शायद उस समय पे आ जाती तो हम सब बहुत अच्छी तरह से मेडिकली, देखिए फाइनेंशियली तैयार होना और फाइनेंशियली इरप्ट हो जाना, ये जो डिफरेंस था, ये शायद पॉलिसी के रूप में अगर पहले होता तो शायद बहुत अच्छा होता है, लेकिन लूट कहीं ना कहीं मची है, ये भी सच्चाई है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सामने देखा, पहले 1,00,000-1.5 लाख रुपए जमा करवाए, फिर पेशेंट को देखा नहीं देखा मालूम नहीं, लेकिन मेरी संवेदना डेफिनेटली जाती है उन डॉक्टरों के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत करके आज कई लोगों को बचाया और वो फिर वापस आए हैं और रो रहे हैं कि वो शायद और अच्छा काम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। कुछ लोगों को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि वो पीने के बाद में जब वो हाई हो जाते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, क्या वो एग्रेसिव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, या फिर आने जाने वाले हर एक चीज़ को मारते फिरते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर के जो इमोशन को है, वो इमोशन के जो इशू है उसको भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे लोग भी मैंने रोड पर देखे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वाकई पूजनीय हैं, जिन्होंने सोनू सूद जैसे उदाहरण हो गया, बहुत सारे लोगों को सेलिब्रिटी के रूप में उन्होंने मदद की है, ऐसे कई मंदिर हैं जिन्होंने मदद की है, कई मस्जिद होंगे, कई गुरुद्वारा उन्होंने आके डेफिनेटली किया है मदद, कुछ चर्च ने किया है, बहुत सारे NGOs ने किया है, मगर मैंने यहाँ पर बहुत लोगों को देखा है कि इंडिविजुअल रूप पे उन्होंने घर में खाना बनाया है और लोगों को एक क्या कहते हैं सोशल किचन के रूप में उन्होंने कई लोगों को अनाज या फिर टिफ़िन देने की कोशिश की है, तो उन लोगों को सलाम। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कुछ पढ़ते हैं और वही वो अच्छी बातें, अच्छे व्यवहार लोगों तक पहुंचाते हैं,
ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनमें पेशेंस बहुत होता है, जो सुनते हैं, सुन के लेते हैं, भले कुछ ना कर ले, लेकिन वो गहराई से सोचते हैं और वो सोच हम तक पहुंचाते हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने। कुछ ऐसे भी देखे हैं जो शायद मोटे हो, पतले हो, उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो कोरोना काल में आते थे, सुबह एक्सरसाइज करते थे, जाते थे, योगा करते थे, घर पे रहते थे, जितना उनके पास था सीमित उतने रूप में खाते थे और खुश रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग भी देखे मैंने। कुछ लोग ऐसे भी थे जो रोड पर आते थे, अपने हाथ में पत्थर रखते थे, और वो तमाम जानवर जो बेचारे कोरोना काल में शायद ये समझते थे कि इंसान अचानक से विलुप्त हो गए, उन पर पत्थर मारते थे, लोगों को गालियाँ देते थे और तरह तरह की बातें करते थे। तो ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने। कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं ऑफिस में आने के बाद में, जो बहुत सभ्य थे, जिन्होंने हमारे ऑफिस बॉय से, रिसेप्शनिस्ट से लेकर हमारे वो चाय जो बनती थी पैंट्री, उनसे बड़े अच्छे से बात किया है और बहुत अच्छे से पेश आए हैं। और लोगों का ये लिस्ट ही बहुत अलग है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ ऑपोजिट सेक्स की बात करते हैं, जैसे ये औरतों की कहानी है, ये औरतें ही लेके आती है, ये शायद घर पे रहती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग देखे हैं कोरोना काल में, जो कि फिर एक सीख दिखाते हैं, सिखा के जाते हैं। कुछ लोग अपॉर्चुनिस्ट रहते हैं, जैसे अपने आपने देखा होगा कि कई लोगों की शादियाँ इसी कोरोना काल में हुई हैं। कुछ लोगों ने देखा कि ये अपॉर्चुनिटी है, मेरा बहुत कुछ बच जाएगा, मेरे बहुत सारे अनवांटेड गेस्ट जिन्हें मैं ज़बरदस्ती बुलाऊंगा शायद उनको मैं अवॉइड कर सकता हूं, तो उनको भी मैं ना बुलाऊं। तो तरह तरह के लोग देखे हैं, बस यही लोग हैं। सच्चाई ये है कि आज हम सब घर के अंदर हैं और हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन आने वाला कल ये सुरक्षितता लाएगा क्या मालूम नहीं। इतना ज़रूर है कि यदि आपने सीखा है कि पहला स्टेज दूसरा स्टेज कैसे अलग था, और अगर ये सीख से आप स्टेज 3 से बचना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से समय को समझें, परिस्थिति को समझें, कोरोना काल की इस गंभीरता को समझे, उदाहरण को समझे, लोगों को समझे, आपके साथ जो हुआ उसको समझे, और एक फिर से नई शुरुआत करें। जंग जारी है, लेकिन इस जंग को जीतने की हम सबकी जिम्मेदारी है। सोचिएगा। धन्यवाद।